सांसद जी, महत्वपूर्ण बैठक है दिशा की, क्या तय हुआ है जनपद के विकास को लेकर के? देखिए, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई गई दिशा एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें हम लोग समय समय पर सारे जनपद के स्तर के अधिकारियों की बैठक करके हर विभाग, चाहे PWD हो, चाहे आपूर्ति हो, चाहे सफाई हो, कोई भी विभाग, जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं, और जहाँ कोई भी कमियाँ हैं हमारे विधायकगण, हमारे प्रमुखगण और हमारे अधिकारीगण भी उसको डिस्कस करते हैं, और अगली मीटिंग होने से पहले इसका अनुपालन करके अपनी आख्या देते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, और जनपद के विकास के दिशा में इस मीटिंग का, दिशा मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो पिछली बार मीटिंग हुई थी सांसद जी, तो जो उसमें क्या जो रूपरेखा तैयार हुई थी, क्या वो इस मीटिंग से पहले क्या वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं? मुझे इस बात की आपको बताते हुए खुशी है कि पिछली मीटिंग में जिन माननीय विधायकों ने, जिन्होंने भी जो भी समस्याएं सुझाई थी, लिखवाया था हमारे में, इसमें एक एक का अनुपालन किया है, एक एक का 100% अनुपालन किया है, और मैं उनको हिदायत देता हूं अधिकारियों को कि अगली मीटिंग 10 जून को होने वाली थी, लेकिन उनके लिए अनुपालन का समय कम होता, तो इसलिए हम अगली मीटिंग फिर जुलाई में रखेंगे, और इस तरह से उनको थोड़ा मोहलत देना, समय देना जरूरी है कि इतना समय तो मिले कि सभी कामों का अनुपालन करके हमको वो सूचित कर सकें। कमियां भी मिली मीटिंग में? देखिए, ये सिस्टम है, राज्य सरकार है, प्रदेश सरकार है, जिला प्रशासन है, आप रोज पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि कमियां तो हर विभाग में मिलती हैं, लेकिन यहाँ बैठने का मतलब है, अधिकारियों को बुला करके उनसे बात करने का मतलब है कि उनको हम ताकीद करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि जो कमियां हम लोग इंगित करते हैं और जो सुझाव देते हैं उसको कर करके आगे ले आए, जिससे कि इस सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके। जी, ये जो लाउड स्पीकर पर बवाल था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लाउड स्पीकर देखिए, लाउड स्पीकर के बारे में केंद्र का, प्रदेश सरकारों का, और खासकर अलग अलग प्रदेश सरकारों का, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है, और इसमें अभी 2015 का माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, जो अभी एग्जिस्ट करता है वही लागू है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तब तक तो वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी नई गाइडलाइंस किसी PIL के या SLP के तहत न जारी कर सके, या केंद्र सरकार कोई नई गाइडलाइंस न जारी कर सके, तब तक तो हमको सर्वोच्च न्यायालय का जो 2015 का आदेश है उसको वही मान्य है और वही मानना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो ले दूंगा वाले कोई बीच हो हम गाइडलाइन वगैरह चेक कर लेते हैं, उन्होंने कल इसका 3-4 महीने से ऊपर हो गया, इसका थोड़ा चेक करा के करवा दीजिए, करवा दीजिए। अल्लाह मत कर, मैंने बड़ा हल्ला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जाओ फिर करवा दीजिए। नमस्कार।
क्या भाई प्रजापति जी बताइए क्या आदेश है? शौचालय अपने दरवाजे बनवा रहे हैं, नहीं बनाने दे रहे हैं। कौन नहीं बनाने दे रहा है? लेखपाल का रिपोर्ट लगा है, क्या कर रहे हो? एसडीएम साहब ने आदेश किया है, क्या हुआ आदेश करने के बाद? क्या हुआ? कुछ नहीं बनाया। सचों के पास नहीं गए? अरे साहब कोर्ट ने लेखपाल ने कहा है कि उसका कोई संपर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी रोक रहा है। मेरे इधर पूर्वक नहीं दिया था साहब। मैं इसको बोल रहा हूँ, आप जाए इसका फोटो खींच लो। कहाँ गया सुरेश? इधर ये एप्लीकेशन का फोटो खींच लो। हाँ हाँ, इसका जाओ। मैं तुरंत ही बोल रहा हूँ इसको। अरे तुम जाओ यार, सर ने बता दिया।